मेरे गांव कापड़ों में शहीद भगत सिंह विद्यालय द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, भगत सिंह को जानो और उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा आदर्श बच्चों को सम्मानित करने के लिए जो प्रोग्राम किया गया वो बहुत अच्छा था। बहुत कुछ सीखने को मिला। विशेषकर एक बात ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि पहली तह लेकर और बारहवीं तक के सभी बच्चे बहुत शांत भाव से घंटों तक आराम से शांति से कार्यक्रम देखते रहे, अनुशासन का परिचय दिया। हर एक बच्चा बहुत जिज्ञासु था और उन्होंने अच्छे से प्रश्नों के उत्तर देकर के मन मोह लिया। देखिए कार्यक्रम टीम सी के लिए तीसरे राउंड का सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ये शब्द किसने कहे थे? मैं घोषणा करता हूं कि मुझ पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील का काम करेगी। और आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु। ये सब किसने कहे? लाला लाजपत राय बिल्कुल सही उत्तर है। टीम डी के लिए तीसरे राउंड का सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। बड़ा आसान सा प्रश्न है, भगत सिंह की माता का क्या नाम था? और आपके ऑप्शन है सुखवंती, अमृता, विद्यावती, लाजो। विद्यावती बिल्कुल सही उत्तर। अब बारी है टीम ई सातवीं कक्षा की और आपका तीसरे राउंड का सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भगत सिंह के दादाजी का क्या नाम था? और आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे, लक्ष्मण सिंह, अर्जुन सिंह, मक्खन सिंह, भीम सिंह। अर्जुन सिंह बिल्कुल सही उत्तर है। टीम एफ के लिए तीसरे राउंड का सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भगत सिंह का परिवार था और आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे, सिख पंथी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, पौराणिक। आर्य समाजी बिल्कुल सही उत्तर। भगत सिंह का परिवार आर्य समाज से बहुत ज्यादा प्रभावित था। केबीसी की तर्ज पर प्रश्नोत्तरी होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक देखें। भारत के वीर जवानों कुर्बानी करना सीख, कुर्बानी करना सीख लो, कुर्बानी करना सीख लो। भारत के वीर जवानों कुर्बानी करना सीख लो। आदरणीय अतिथि जी, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, मैं मेरे सहपाठियों, आप सभी को शहीदी दिवस और स्कूल स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अंशु है, मैं छठी कक्षा की छात्रा हूं। मैं आप सबको विचार सुनाना चाहती हूं, कृपया ध्यान से सुने। सीने में आग और हृदय में देशभक्ति का जुनून रखते हैं, सीने में आग और हृदय में देशभक्ति का जुनून रखते हैं, क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में भगत सिंह बसते हैं, क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में भगत सिंह बसते हैं। ना तन से प्यार है ना धन से प्यार है, ना तन से प्यार है ना धन से प्यार है, हमें तो बस अपने वतन से प्यार है, हमें तो बस अपने वतन से प्यार है। मेरे सिर पर कट जाए भगत सिंह की चीखों का, मेरे सिर पर कट जाए भगत सिंह की चीखों का, मेरा हृदय भारी उनकी दी गई सीखों का, मेरा हृदय भारी उनकी दी गई सीखों का। को मेरा सुप्रभात, मैं आपको भाषण सुनाना चाहती हूँ। भारत में शहीदी दिवस दो दिन मनाया जाता है, पहला 30 जनवरी और दूसरी बार 23 मार्च को। हम शहीदों की कुर्बानी को याद करते हैं। 23 मार्च को भारत की तीनों असाधारण स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदानों को याद किया जाता है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। भगत सिंह को सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी समाजवादी माना में से एक के रूप में माना जाता है।
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसा और उसके परिणामी निष्पादन के दो कार्य थे जिसने उन्हें एक घरेलू नाम बना दिया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में किशन सिंह और विद्यावती के पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनके परिवार के सदस्य स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्हें तब भी बहुत देर नहीं हुई जब वे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। लेकिन भगत सिंह के शहीद होने के बावजूद देश की सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती है, जबकि आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। धन्यवाद। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरा नाम मानसी, मैं छठी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु आज़ादी के दीवाने थे, हंस हंस के झूले फांसी पर, भारत माँ के मस्ताने थे, भारत माँ के मस्ताने थे। वह मरे नहीं है, जिंदा है, वह अमर शहीद कहलाएंगे। वह प्यारे वतन पे निसार हुए, वह वीरों के मर्दाने थे, वह वीरों के मर्दाने थे। आदरणीय मुख्य अतिथि और मेरे अध्यापक अध्यापिकाएं और मेरे सहपाठी सुप्रभात, मेरा नाम नीरू है, मैं छठी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आज सभी आज़ाद हो गए, फिर ये कैसी आज़ादी है? वक्त और अधिकार मिले, फिर ये कैसी बर्बादी है? संविधान में दिए हकों से परिचय हमें कराना है, भारत को खुशहाल बनाने आज क्रांति फिर लाना है, आज क्रांति फिर लाना है। पत्रिका फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। मेरा नाम सुहानी है, मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपसे पोएम सुनाना चाहती हूँ। आज़ादी के साल हुए कई, पर क्या हमने पाया है? आज़ादी के साल हुए कई, पर क्या हमने पाया है? सोचा था क्या होगा, लेकिन सामने क्या आया है? सोचा था क्या होगा, लेकिन सामने क्या आया है? इतना सुंदर है स्कूल, इसमें रंग बिरंगे फूल, फूल सुनहरे सबको बाते, इसे इसको देख सब ललचाते, टीचर हमको पाठ पढ़ाते, नई नई बातें सिखलाते, फूलों से गिनती करवाते, टॉफी देकर हमें खिलाते। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड अदर टीचर एंड माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ आसू फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड। माय टॉपिक इज सम थॉट। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में वो धमक रखती हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में वो धमक रखती हूँ। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। मैं इस देश की हनुमान हूँ, यह देश मेरा राम है। चाहे सीना फाड़ के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। शहीदों के त्याग को हम बदनाम नहीं होने देंगे, भारत की इस आज़ादी की कभी श्याम नहीं होने देंगे, भारत की इस आज़ादी की कभी श्याम नहीं होने देंगे। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है। सर हमेशा ऊँचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है, सर हमेशा ऊँचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वो पानी जो आंखों से बह जाए, वो पानी जो आंखों से बह जाए, आंसू तो वो है जो तड़प की आंखों में रह जाए, आंसू तो वो है जो तड़प की आंखों से रह जाए। लेकिन देश प्रेमी हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए और अमर हो गए, और अमर हो गए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अंजू फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड। आई वांट टू टेल ए पोएम।
विजय विशाल तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अभी हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी हम कच्चे हैं, हम भी इस रथ पर जाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे, हम भी देश के लिए लड़ेंगे, हम भी देश का नाम रोशन करेंगे। सिरांख्यां पे बैठाना चाहोगे शहीद भगत सिंह स्कूल के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, जड्डिया की गां अमर गर्मिया की छांबर के प्यारे लाडले फूल जैसे कोमल प्यारे बालको, आज आप इकट्ठे हो रहे सा शहीद भगत सिंह स्कूल का स्थापना दिवस और साथ ही साथ में भविष्य की योजना बनाने के लिए कि किस प्रकार तय अपने नए सत्र में प्रवेश करना है। इसके तहत अपने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करी, इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा अनुशासन लगा आपका, बधाई के पात्र है, आपने शांति का दान दिया और छोटे से लेकर के बड़े बच्चे तक, नर्सरी से आठवीं कक्षा तक जो बच्चे ने आराम से विचार सुने, ग्रहण करे, इस कार्यक्रम को आयोजित किया श्री रामेर जी जो संचालन करता रहे, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छी बातें सुनने को मिली। आज शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस हम मना रहे हैं, आत्म मूल्यांकन करने का भी दिन है प्यारे बालको। आप ही बात करांगे थोड़ी सी अपने दिनचर्या की, एक आदर्श विद्यार्थी कैसे बने, हर एक कक्षा से एक एक दो दो बच्चा आदर्श विद्यार्थी चुना गया था, क्यों बने वो, किस रास्ते पर चलिया, उसका अनुकरण करना है अपने। सवेरे से लेकर सांझा लगी अपनी दिनचर्या कैसी हो, आंख उगड़गी, नया दिन दे दिया परमात्मा ने, तो सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करें, ये दिनचर्या का पहला हिस्सा है। हे परमेश्वर, आपने मेरे को नया दिन दिया है, इस नए दिन में मैं अच्छे गुण शिक्षा संस्कार ग्रहण करूं, अच्छे रास्ते पर चलूं, कल मेरे से जो बुराई हुई है या मेरे से मन तन धन आदि से कोई भी अगर बुरा कार्य हुआ है तो मैं उसको छोड़ूं और सत्य के मार्ग पर चलूं, एक आदर्श विद्यार्थी की यह दिनचर्या का पहला हिस्सा होगा। घड़ी देख कर नमस्ते बोलना, 12:01 होगी तो गुड आफ्टरनून हो गया, 11:59 होगी तो गुड मॉर्निंग हो गया, ये गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग ये सारा छोड़ दो, ये अपनी संस्कृति नहीं है, अपनी संस्कृति है नमस्ते, दूसरा अपनी संस्कृति में प्रणाम शब्द है, तो प्रणाम शब्द चाहे आती रात ना बोल दो, अगर क्या ना बोल दो, बटा ना बोल दो, सवेरे बोल दो, सांझ बोल दो, प्रणाम शब्द एक जीवन में अपना लें, छोटे से लेकर के बड़े लग, भगवान वो होते हैं जो माँ बाप हैं अपने, माँ बाप है जो माता पिता है, भगवान का रूप है, कितना ही गुंठा टेक हो, काला कलूटा हो, कितना ही पहली हो, कितना ही नशा बज हो, लेकिन वो भगवान का रूप है प्यारे बालको। देखो जिसने जन्म दे दिया है, माध्यम हमारे माता पिता बने हैं, ये प्रणाम शब्द सबसे पहले अपने माता पिता को दे और बड़ों को दे, प्रणाम बोले शर्म आओगी थोड़े दिन, इज्जत आओगी, कई तो माँ बाप या बड़े घर में कई बार उठते नहीं, सोचे यूं के कह दिया इसने, युवा आज एकदम कुकर सुधर गया, नमस्ते बोल दो या प्रणाम नमस्कार, पैर का हाथ ला दो, दो चार दिन इज्जत आओगी, मन ने भी रहा इस बात का, अनुभव हुई है इस बात का, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अपने जहन में अपने दिनचर्या में इसको उतार लोगे तो आपकी आदत बढ़ जाएगी, उसके बाद किसी भी प्रकार की आपको शंका, किसी भी प्रकार का आपको हिचक नहीं होगी। तो दिनचर्या में अपने प्रणाम शब्द को जरूर अपनाएं, चाहे आपके गुरु हों, अध्यापक अध्यापिकाएं हों, बड़े आदमी, कोई रिश्तेदार, जानकार अनजान, कोई भी आपके अतिथि मेहमान घर पे आते हैं या फिर आपके घर वाले हैं, बड़ों का सम्मान करें और छोटों से प्यार करें और सम्मान के तहत आप प्रणाम शब्द का प्रयोग करें। मैं आपसे ये मांगने के लिए आया हूँ आज, ये मेरी दिली इच्छा थी, शायद हाथ उठा करके इस शब्द को जीवन में जरूर अपनाएंगे, कौन कौन बच्चे हैं ऐसा आश्वासन दे मुझे, हिचक नहीं करनी है, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, एक दो दिन दो चार दिन आपको समस्या आ सकती है, माड़ी बात तो नहीं प्रणाम बोलना, स्कूल में भी बल्कि यही शब्द अपनाएं। चाहे हमारे निर्माणकर्ता राजमिस्त्री हैं, मजदूर हैं या चौकीदार हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, फोर्थ क्लास कोई भी हो चाहे, सब एक समान है, हमारे से बड़े हैं, तो सभी प्रणाम कहते हुए विद्यालय में प्रवेश करें, प्रणाम कहते हुए विद्यालय से आए, यहाँ से जाए और विद्यालय से घर पहुंच करके अपने घर वालों को भी प्रणाम शब्द बोले। विशेषकर अगर साष्टांग प्रणाम किया जाए तो शास्त्रों में भी लिखा है, जैसे अभिवादन शीलस्य नित्यम वर्धोप से विनय चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्वेदा यशोबलम,
चार चीज बढ़ेगी, नमस्ते बोलने वाले की प्रणाम बोलेंगे, आयु बढ़ेगी। बड़े बूढ़े को अगर हम किसी भी प्रकार से प्रणाम नमस्ते मान सम्मान देवांगे, उसकी आओ भगत करांगे, इज्जत करांगे, चाहे अपने घर में भी हो, तो वो भी यूं कहेंगे बेटा आयुष्मान भव, बेटा अनपढ़ होगी तो शीश दिया करें अपने चाची ताई हैं दादी हैं, लंबी उम्र हो, बूढ़ सुह गण हो, राम तना बेटा देव है। हालांकि कुछ उसमें लिख भेद आ जावे है, लेकिन उनका जो शुभ आशीष है उसमें क्या है, एक भावना छिपी हुई है कल्याण की, और वो कल्याण हमें प्राप्त हो जाएगा। विद्या बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। वो आदमी 10 जगह पर चला होगा, मैं फलाना का बालक से, और देखो मेरे को इतनी इज्जत दी उसने। रिश्तेदार है कोई बाहर से आ जाता, अतिथि मेहमान है, कई बालक के करेंगे, मतलब नमस्ते करना भी शायद वो इतनी दूर से पैर ठहका आया है, भाई सुख दुख का सिर ही है, जानकार है अपना, भाई तुम्हारा जानकार नहीं है तो घर वालों का होगा, तो क्या करेंगे, टेलीविजन देख रहा है तो टेलीविजन देखता रहोगा, उसने कोई मतलब नहीं, आ बैठ पी पानी तीन चीज कड़िया नहीं लेनी, कम से कम इतना तो कर सका, उसको आसन दे दो बैठा करके, या फिर आपको जैसे पानी पिला सकते हो, गर्मी में आया है, कहीं ना कहीं मीठा बोलेंगे प्यारा बोलेंगे तो उसके दिमाग में एक तस्वीर बन जाएगी, और वो वापिस करना चाहोगा तो तारी राजी खुशी पहला पूछेगा, फिर अपने पटिया की राजी खुशी पूछेगा। ऐसी तस्वीर बनाओ दूसरे के दिमाग में प्यारे बच्चों, जिससे हमें दूसरे का दिल जीत लिया। और मेहमान अतिथि कोई आया, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी काम से आया हो, आता जाता आया हो, या ठहरने के लिए आया हो, कम से कम उसके परिवार के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, वो क्या कर रहा है, क्या उसका व्यवसाय है, कौन सी क्लास में उसके बच्चे हो गए हैं, या फिर किस काम के लिए आया है, थोड़ी सी रुचि जरूर लिया करो। ऐसा नहीं अगर भाई नमस्ते बोल ले तो बोल ले, और नहीं पार बोल ले, अरे कस है, मतलब यूं है कोई मतलब नहीं, वो सवेरे का आया है तो सांझा लग उसका दौरा पड़े नहीं, उसका दौरा बैठे नहीं, ये हमारी संस्कारहीनता है प्यारे बालको। अगर हम उसके नजदीक नहीं लगते हैं, अतिथि देवो भव होता है, देवता के समान होता है। चाहे दिनचर्या में सुबह उठ लिए, नमस्ते बोल दिए, गर्म पानी पी के न, गर्म पानी पी के न, ये 1,00,000 रुपए की बात समझे, इसको तोल के देखोगे तो 1,00,000 से महंगी मिलेगी। गर्म पानी, गर्मी हो या सर्दी हो, गर्म पानी पी के न, और अपने जैसे व्यायाम है, प्राणायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, जॉगिंग है, या रेस है, या जैसा भी आप करना चाहते हो तो वो कर सको हो, फ्रेश वगैरह होकर के, और उसके बाद अपने समय का सदुपयोग करना है प्यारे बालको। लगभग 9 या 10 बजे अपनी जठराग्नि जो शुरू हो जाए है, उसमें भूख सबसे ज्यादा 9 या 10 बजे लगे। अगर खाना घर पे खा लियो हो तो ठीक है, नहीं तो स्कूल में ले आओ, भूख लगने पर, अच्छी भूख लगने पर ही चबा चबा करके खाएं। ये दिनचर्या का अपना मूल मंत्र बता दिया आपको, नहीं तो भविष्य में जो ये छोटे बालक रहे, चूर्ण है, अल्लादीन है, चॉकलेट है, टॉफी और बिरयानी गड़म बड़क के चीज है, एक एक रुपये की चीज में कड़े ठू काटोगे, यूं बता दो कौन से पहलवान बनोगे। अरे एक रुपये की चीज मैंने सोचा है करके लरांद कट जाएगी, 10 रुपये ले जा तू स्कूल में जा बड़ो है, वो रोन लग जे है, रिश्वत लेन लग क्या यार, रिश्वत माड़ी से 10-10, 20-20 रुपये लेके ना हुआ है, या आदत छोड़ दो, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। और अपनी जो प्राकृतिक चीज है, फल है, सब्जी है, वो कच्चे खाओ, और जो भोजन है अपना वो टाइम पर भूख लगने के बाद खाओ, दिने मुहूर मुहूर ने खा दी तब्य में, दिन में बार बार नहीं खाना चाहिए। कई बालक तो मतलब है यूं नहीं बेरा भाई, 8 बारी 10 बारी थोड़ा थोड़ा करके कितनी बार चबाते रहते हैं, इससे अपनी पाचन शक्ति कमजोर हो जाए है, और ये स्वास्थ्य संबंधी आदतें जीवन में नहीं अपनावांगे। जो अपने कड़िया महंगे अस्पताल में डॉक्टरों की पर्ची कट कट कर स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव होगा वो अलग है, पढ़ाई छूटेगी वो अलग है, घर के परेशान होंगे वो अलग है, और साथ के साथ में हमारा आर्थिक नुकसान होगा, उससे तुम बच जाओगे अगर प्रकृति के नजदीक लगोगे, प्राकृतिक चीजों को कच्चा खाओगे, फल है, सब्जी है, एक तो एक रसभर रखे हैं परमात्मा ने, आम है, अंगूर है, पपीता है, सेब है, भाई हर एक जो सब्जी है अपने, उनको अगर आप चबा चबा के अच्छी तरह खावांगे, आज जो ये तड़िया हुआ भोजन है जो के नाम आ रहे हैं पाश्चात्य जगत के, पूरे यूरोप में कोई लुगाई रोटी नहीं पो सकती, पूरे यूरोप में सिर लगाने को तैयार हूं मैं, एक भी लुगाई ने गोल रोटी नहीं बनाने आंदी, अपने 10 साल की छोरी गोल रोटी बना दिया है, क्यों, एक एक भी नगे पिज्जे बर्गर इडली डोसे पर कई एक तली चीज है, नामे को नहीं मेरा अड़म का ना, यहाँ खैकना जी है कैंपा कोलार हो रहे जो आऊगा मेहमान है, 85 रुपये की 2 लीटर की लाए, नाम लेगा तो मैं कोका कोला पेप्सी बिरयानी के है, तो
वो भी बीमार है और आप भी बीमार है, गला बैठेगा, तीसरा चौथे दिन बुखार है। क्यों भाई? अरे कोई मेहमान आवा अपने घर, पहला होया करते पुराने जमाने में दूध के पेले मलाई गेड़के ने न्यू का न्यू दे देंदे, वो है अतिथि का स्वागत। तो उसे जो लैटरिन साफ करते हैं अमेरिका में, उससे जो हमारे यहाँ पर है पीने के लिए उसको दे देते हैं हमें देवता को। अरे इससे आओ भगत हो गई, या हम किसी के चले जाओ, हाँ अगला ठीक है खुश हो गया, मतलब अनुभव अपने में कह लो उसको पता नहीं है नादान है ये कह लो, वो ले आया हमारे लिए, इनकार नहीं कर सकते, केवल जीभ का स्वाद है। घर के अंदर लोग कहने टेंट में बढ़ के वो कैंपा गोला सहर गए और सारा बढ़िया स्वादिष्ट सलाद है या सब्जी है वो छोड़ दी। क्या हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता? अपने जीभ स्वाद देखा है लेकिन पेट का भी पना देख लो भाई। छोटे बालका ने विशेषकर कहना चाहूंगा भाई, बड़े तो समझदार है, वो हर एक अर्थ भी समझे हैं, लेकिन विशेषकर छोटे बालक है, जीभ का स्वाद देख लिया, चूरण चॉकलेट टॉफी आदि खा लिया, लेकिन अंत में जम गया और अंत में जमकर वो सड़न लग गया है। चबान का काम है, दांत करा है, लेकिन चबान की बजाय आपे अंत पे काम लेने लग जाए, ये काम, ये बात जरूरी है बेटा, जिंदगी जीने के लिए ये बात जरूरी है। ठीक है शहीदी दिवस है, हमने नमन कर दिया आत्मा से, हम उनके चरणों में नतमस्तक है जो 7,32,000 शहीद हुए थे, आज वो विशेष दिन है, उनको समर्पित करने के लिए हमें एक जागरूकता जानकारी फैलाने के लिए क्विज कर ली, या हमारी भावना उनके साथ है, एहसान है, कण कण हमारा रोम रोम उनका ऋणी है, लेकिन साथ के साथ में एक मौका मिला है भाई आपसे रूबरू होने का। इस भावना में आपके दिनचर्या की बात कर रहा हूँ प्यारे बालको, जो चबान का काम दांता लेना चाहिए, एक टूक को 32 बार चबाना चाहिए और उसमें से एक लार निकलनी चाहिए जीभ में से, जब जाकर के वो लार भोजन में मिलेगी, भोजन पचेगा, उसका काम आप अंता था लेवा। हाँ ओवरलोड कोई ट्रंक्स है, एक बार ओवरलोड कर लिया चलो कोई बात नहीं, बजा लिया वो संजन है, फिर ओवरलोड तड़कन है, फिर रुक जे रहे रुक जे खिलांगे, 2 मिनट में आया पिछले 2 मिनट में 3 रोटी कपड़े वपड़े खाकर ना, अरे वो जर वो जय के बात भाई, 2 या 3 मिनट के अंदर 3 रोटियां जम है चबाई जैसे है, मतलब है कोई नहीं, धीरे धीरे शांत मन से भोजन को चबा चबा करके खाएंगे तो 10 रोटियां तो इतनी ताकत को नहीं मिले जितनी 2 रोटियां तो मिल जाएगी, और हमारे आंतों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आते ज्यादा ओवरलोड नहीं होंगी, और नहीं तो भाई वो ट्रक ओवरलोड होगा, जान बचावेंगे तो टायर पटता ही पटेगा कदे न कदे, उसका अपनी जो हिरणिया है या किसी भी प्रकार की और बीमारियां हैं वो जो है फिर आंतों में गड़बड़ और फिर डॉक्टर के पीछे, और वह जो एक किस्म की जो घर में आमदनी है चाहे खेती से हो चाहे नौकरी से हो चाहे किसी भी प्रकार से, अपने सारे स्वास्थ्य संबंधी सारे के सारे डॉक्टर के घर भर दिया, हाँ सीधा बच्चत है बुढ़ापा में प्रवेश, जवानी आती है कोई नहीं, क्यों नहीं आती, चेहरे पर झुरी, खान पान गलत है, ध्यान किसी ने दिया नहीं, 10 रुपये 20 रुपये बस सोचा हमारा बालक ले भाई हो लग जाएगा स्कूल में बिक जाएगा, ये 10-10, 5-5 की चीज जो खाओ हो, ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ छोटे बच्चों से, बिल्कुल रिक्वेस्ट है बेटा छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसका कोई पलवा नहीं बन दे आप, कोई ताकत नहीं होती इसमें, जो 85 रुपए की जो बोतल बना है नी पूरे मिला अपन है 8 रुपया की तैयार हुआ है, 8 रुपया में कौन से पोषक तत्व आएंगे भाई, कितने गुना कमाएंगे व्यापारी, सरकार सो रही है, समाज सो रहा है, माँ बाप सो रहे हैं और आप पी रहे हैं, तो कुल मिलाकर अपना ही भला पे नहीं कर सकते, तो भगवान भी अपना भला नहीं कर सकता, अरे अपना भला तो करने लग जा फिर परिवार वाले ने सुधार देंगे, किसी का जावा हार वो अगर स्त्रियों की चीज अपना अकल या नजर दिया है तो उसको पता है इसका, हाँ भाई इसके ये नुकसान है मैं इसको नहीं प्रयोग करूंगा, आप वापिस दे आओ, वापिस हो देखा वह ठीक है, अगर अपना आप पीवा तो पहाड़ में जाओ हमारा लेखच है, आप ही तो बचा अपने आप को तो जगावा, दूसरे को कैसे जगा देंगे अगर अपना आप पे सुते रहोगे आप पे, हाँ वो अलग बात है भाई जो जान का सुत है उसने कोई नहीं जगानी होता, तो अपने आप को थोड़ा सा सचेत करें स्वास्थ्य के प्रति, ये दिनचर्या का हिस्सा है, मैं आह्वान करता हूँ इस तरह की जो ये तली हुई चीजें हैं या फास्ट फूड है या फिर इस तरह की जो चीजें जो बाजार में खुले में मच्छर मक्खी आदि धूल आदि से अंटी हुई चीजें जो पता नहीं किस तरह से वो बनाते होंगे तैयार करते होंगे क्या क्या उसमें मिलाया जाता होगा, तो इस तरह की चीज आता है बचेंगे आश्वासन दें,
तड़ी हुई चीजों से बचेंगे। yes, sir. आवाज नहीं आई। yes, और तेज। yes, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने लिए तालियां बजाओ, ऐसे ऐसे शाबाशी दो अपने आप को। शाबाश दूसरा दो ना दो शाबाशी अपने आप को तो दे सकते हो। मैंने चिड़िया के काम कर लिए, इतने माँ दादी बेबे रोटी बना हुआ है, इतना लगभग एक या दो घंटा आपके पास हुआ है, तो स्वाध्याय में क्या पढ़े? हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी हैं उनकी कहानियां पढ़ सका है, इतिहास की असली जो इतिहास की किताब है वो पढ़ सका है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ सका है, या कुछ और भी बहुत सी चीजें आप अपने स्वाध्याय के रूप में अपनावे, साथ के साथ में आप अपना कक्षा का सिलेबस भी कर सके हैं। जिस दिन छुट्टी हो तो दो या चार बच्चों का ऐसा तो है नहीं गपशप करनी हो, दो चार जो स्वाध्याय करनी है बच्चे हैं अपने, जिसके गुण अपश्री में मिला है, स्वाध्याय के प्रति रुचि है, तो वो इकट्ठे होकर डिस्कशन भी कर सके हैं। इसके साथ साथ जो कोई अगर अपना घर में कोई विद्वान आदमी आ जाए है तो उसका संगति का लाभ जरूर लेवा भाई। माँ बाप तो रहे अनपढ़ माँ बाप हो जो मांग उठा टेक हो, इतना ज्ञान हुआ है इतना कोई विद्वान बाहर का दे ही नहीं सकता। खुद मेरे पिताजी अनपढ़ उठा टेक छोटा सा सोया करता उनके पास छत पर, तो न्यूज उड़वा लिया करता है आठ और आठ का होगी जोड़ दिया मैं, तीसरी चौथी क्लास तीसरी में था, आठ आठ सोलह, तो आठ दुनी सोलह, इसी तरह से सत्रह और सत्रह कितने हो गए चौंतीस, तो सत्रह दुनी चौंतीस, बत्तीस लग पहाड़े से कह दिए बत्तीस लग, और आज लग बत्तीस लग याद है ना तो भूल जा और ना गए याद हो या एक भी। एक माँ बाप इतना कुछ देश का, माँ तो पहला गुरु है अपना, बेसमता चाहे वो कितने काम में बीजी रंदी हो कितने अनपढ़ हो, लेकिन उसका जो एक निष्ठा के साथ, अंधविश्वास तो मैं नहीं कह सकता, निष्ठा के साथ उसका कहना मानिए, जो भला चाहूंगे माँ बाप पूरा नहीं चाहूंगे कभी भी, ये तीसरे नंबर पाते हैं आपके ये गुरु जी, तो पहला गुरु माँ है, अगर वो जो भी काम कहेगी आपको जिंदगी में तो उसका जरूर कहना मानना है, निष्ठा रखे माँ बाप के प्रति। भाई ऐसा नहीं है भाई, आजकल तो लगभग थोड़ा सा उखड़ा हुआ हर खोया आपको लगाने लग जाइए, आदत अच्छी को नहीं भाई, अच्छी को नहीं कि मैं नहीं इसमें गणा है बन दे टी लिखा, और ये जो थोड़ा सा माँ बाप को यूं मानने लग जाए नहीं चिल्ला के ना बात कर रहे हैं अब तन्ना की बिरा, यू जो तिन्ना की बिरा नहीं, यू माँ बाप के लिए बहुत घातक शब्द है, कड़े न्यू सोचो भाई मामे घना पटके बिरा नहीं के बन गए तन्ने के बिरा न्यू सया बात है रे, उसने तो सबकी में बिरा है, जाम दिए जन दिए पढ़ दिए पोस दिए, खुद अपना किले में सोई है सुखा में सुहाए हाँ, महाभारत जीती है भाई, और उसको अपने को बात अन्य के बिना तो अपने तो निकृष्ट और कौन होगा। तो थोड़ा सा मैं आह्वान करना चाहता हूँ अपने माता पिता के प्रति और गुरु के प्रति निष्ठा का भाव रखे, बीमार रहना भी दूसरे के ऊपर बोझ बनने के समान है, क्या दूसरे को बोझ बन के राजी हो समाज के ऊपर या दूसरे को सहारा दे के राजी हो? आवाज नहीं आ रही, अरे समाज को सहारा दे के राजी हो बोझ बन के राजी हो? तो सहारा कौन देगा, स्वस्थ आदमी देगा या रोगी आदमी देगा? जो स्वस्थ होगा हष्ट पुष्ट होगा तकड़ा होगा मजबूत शक्तिशाली होगा वीर बहादुर होगा वही सहारा देगा, डरपोक आदमी क्या सहारा देगा भाई, कमजोर आदमी क्या सहारा देगा, रोगी आदमी क्या सहारा देगा? तो प्यारे बड़को अपने आप को इतना वीर बहादुर शक्तिशाली ताकतवर बनाइए, ताकि एक जैसे ये पिलर है ये खंबे है, देखो ये खंबे सारे स्कूल का बोझ ओढ़ रहे हैं, तो अपने आप को एक खंबे के समान बनाइए, ताकतवर बनाइए, ताकि समाज के लिए आप एक खंबे का पिलर का स्तंभ का काम करें, और हर एक आपका जो अक्षण है ताकत है ऊर्जा है उत्साह है जो आपके अंदर विद्या है शिक्षा है वो समाज के भलाई के लिए काम आए। ये हम आपके अंदर कोई सभी अध्यापक अध्यापिकाएं बैठे हैं या आपके अंदर ये नहीं देख रहे, ये पहली नर्सरी क्लास का बालक से है, ये जो 450 बालक बैठे हैं ये भविष्य के 450 घर हैं, और वो 450 घर भविष्य में क्या बनेंगे इनकी नजर में वो घर है वो बच्चे नहीं हो आप, और वो घर है उजड़ेंगे कि बसेंगे, क्या एक बाहर का टोपीर जींस सिगरेट पीता हुआ मेरा शिष्य मुझे बस स्टैंड पर मिलेगा या फिर कहीं पर, चाहे वो रेडी लगाता हो चाहे वो मजदूरी करता हो, लेकिन एक इंसानियत का उदाहरण पेश करते हुए अगर वो समाज की सेवा में संलग्न है तो गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा इन अध्यापकों का भी। अब आप देख लो इंसानियत के नाते आप किस तरह के गुण शिक्षा ग्रहण करते हैं, किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या बदलते हैं, तड़का किसी का नहीं आया, आदत अपना लो भाई स्वाध्याय की, समय का सदुपयोग करना, कार्ड बता कार्ड काटा कर झुकर न्यू काटना सीख लो, इतना रोटी पानी बना इतना दो घंटे लगभग आप स्वाध्याय कर सको हो, खाना पीना खा लिया छुट्टी वाला दिन है 12 1 2 3 बजे लगभग 2 घंटे फिर काट सको हो,
शाम ने अपने मित्रों के साथ खेलो, ऐसे खेल खेलो जिसमें जोखिम ना हो। शाम ने लगभग एक दो घंटा स्वाध्याय करो, ऐसी व्यवस्था बनाओ शांत वातावरण हो, अच्छी रोशनी का प्रबंध हो, और शांत वातावरण में अगर हम स्वाध्याय करेंगे, अध्यापकों को बताया हुआ दिनचर्या का होमवर्क है या कोई भी अन्य काम करेंगे तो उसको अच्छी तरह याद करके सो, चिंतन मनन करो उसके ऊपर। जितना ज्यादा स्वाध्याय आप कर लोगे, जो अपना 25 साल का ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए अगर आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया तो आप एक चमकते हुए सितारे बनोगे, अपने देश के चमकते हुए सितारे। ऐसी कल्पना आपने खुद ने भी नहीं करी होगी। प्यारे बालको जितना आप पढ़ सको हो खुद बनने को नहीं सोचा, आठवीं दसवीं लग मैं मास्टर भी लग सकू हूँ, क्योंकि कोई मार्गदर्शन ऐसा था नहीं, बस जो पढ़ाया दिया वो रट लिया आगे चले गए अगली क्लास में, आगे पढ़ा दिया आगे, कोई किसी विद्वान गुरुजनों ने कहीं पर मार्गदर्शन मिला और उससे फिर हम अध्यापक बन पाए, नहीं तो अपने आप को संभालने के लिए भी हमें होश नहीं था मैं क्या बन सकता हूँ। आप भी बन सकते हो, आप भविष्य के फौजी बैठे हो, कहीं भविष्य के पुलिस वाले बैठे हो यहाँ पर, आप में से डॉक्टर इंजीनियर बनने हैं, आप में से अध्यापक बनने हैं, लेकिन ये अपने आप को थोड़ा सा ये महसूस होगा अरे मैं बन चूंगा ऐसा, ये मास्टर तो मास्टर हुआ है, कोई पुड़िया में तो कुलगड़ता मास्टर है, पूरे तो बनकर पटके ना आगे जावा है, बड़े बड़े ऑफिसर भी बन सको हो, ऐसी कोई कल्पना ना सोचे इसको, वास्तविकता है ये। ईब के मास्टर हैं, ईब के फौजी, ईब के आईएएस अफसर हैं, वो तो बूढ़े हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे, वो चलाऊंगे देश में। हम वर्तमान हैं लेकिन आप भविष्य हैं देश का, और भविष्य कैसा होना चाहिए ये हमें चिंता है, और आपको भी चिंता होनी चाहिए कि हमारा देश हमारे हाथों में होगा तो हम कैसा काम करेंगे। एक आदर्श नागरिक बनना है, जागरूक नागरिक बनना है तो अपने आप को सुधारना होगा, पहले अपने आप पे से शुरुआत करनी पड़ेगी, और उसमें भी सबसे पहले अपना स्वाध्याय है, दिनचर्या है, संस्कार है, नम्रता का भाव है, विद्या ददाति में नम्रता हम कहते हैं ना, तो नम्रता का भाव अगर हम रखेंगे, प्रणाम शब्द से शुरुआत करके बड़ों से अगर हम आवभक्त करेंगे, इज्जत मान सम्मान करेंगे तो उससे कई गुणा मिलती है, हजारों गुणा। एक छोटा सा बालक को पहली या दूसरी क्लास का बालक उसको पढ़ाने लग जाए, उठा ले टाइम है तो काम में कोई नहीं, यह जो नरे ताश खेला है या और वैसे पड़े रहे हैं या किसी कारण बस मतलब समय का दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो समाज के लिए एक धोखा है, समाज के लिए कुछ सकारात्मक करिए। प्यारे बालको अपने आस पड़ोस के बालक इकट्ठे कर ले और अपना एनआर तो स्केच को होना शुरुआत में, लिखना स्केच को हो, कोई और क्रिएटिविटी स्केच को हो, ड्राइंग वगैरह है उनके पास टाइम अच्छी तरह से पास होगा आपका, तो बताने के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, अक्षेत्र बहुत बड़ा है विद्या का, लेकिन आप देने वाले दाता होने चाहिए, पात्र को शिक्षा दीजिए और आप अगर खुद पात्र है तो शिक्षा अच्छी लीजिए। तो प्यारे बालको दिनचर्या में अगर हम शाम की बात करा तो शाम के समय ऐसी एक डायरी वगैरह जरूर लगा लें जिसमें आपने पूरे दिन में क्या क्या महसूस किया या क्या घटना घटी मुख्य मुख्य, न्यू तो सहनी मना नून मिर्च खाया चटनी खाई में सारी बात लिख दो, न्यू नहीं वैसे 5-7 वाक्य ऐसे लिखे हुए अपने बारे में, आज मेरे से ये गलती हुई, मैंने उसको बुरा बोल लिया, मैं वहां पर मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं इंद्रियों में वशीभूत होकर मेरे पांव मुझे वहां पूरी जगह पर क्यों ले गए, ऐसा थोड़ा सा जरूर लिख दीजिए सच्चाई के तौर पर ताकि भविष्य में वो गलतियां दोबारा ना हो। तो थोड़ा सा एक डायरी जरूर लगा ले, चाहे रफ कॉपी तौर पर 10 रुपए की कॉपी भी लगा ले, चाहे वो भविष्य के लिए बहुत बड़ी धरोहर बन जाएगी आपके लिए, विरासत बन जाएगी, अब बड़े होकर के आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको। तो एक स्वाध्याय के तौर पर तो ज्ञान लेंगे ही लेंगे, साथ के साथ में एक डायरी वगैरह या और ऐसे थोड़ा सा जरूर लगा लें भाई शाम के टाइम पर। तो प्यारे बालको ये दिनचर्या की बात हुई, हमारी स्वास्थ्य से संबंधित बात हुई या फिर हमारे बड़ों के प्रति मान सम्मान की बात हुई, अब थोड़ा सा 2 मिनट में नशे के बारे में सचेत करना चाहूंगा मैं। हर एक घर में लगभग बड़ा बूढ़ा आदमी होगा, गेर ले रहे 2 पतंगे रहे भर दिया का कोई बात नहीं, अरे सुड़गाइए रहा मारिए रहा दो एक छुटे रहा मेरा दम कोई रह रहा, बड़ा बूढ़ा खुद बालक तय नू कवा अरे सुड़गाइए रहा इसने रहे ओड़े मोल मिला है ना सका अपने बचो इन चीज जाते पूरा तो जेब पाछा कर देन घुमा के देखोगे नहीं, एक नौरा है बहुत मशहूर चिमनी में इतना धुआं नहीं उठता होगा उड़ा तो भी धुआं देख जगह मेरा मतलब है, उस नौरा का मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन 15 युवक 18-18, 20-20 साल के खिंडकियाले बूढ़े को नहीं 20-20 साल के उक्का के छुट्टे मारे हैं। नशे से थोड़ा सा भविष्य के लिए बचो, अगर किसी के अंदर कोई कभी बुराई की आदत है ऐसी तो उसको छोड़ दे, या फिर उदाहरण तो बहुत से हैं
लेकिन नशे ने ऐसे उजाड़ रखे हमारे देश को। मेरी कक्षा का एक बच्चा पड़ोसिया का इधर हूँ क्यों है, आटा पिछवाकर जब जाकर ना रोटी खुआकर उड़े बेचू हूँ, कड़े का एंड्रॉइड फोन दुआ हूँ मास्टर जी, होमवर्क के तौर पर कहूँ था मैं माँ जी फोन दुआ दो, कड़े का फोन है, बाप ने उजाड़ रखे हैं, ऐसे ऐसे घर है नशे के कारण है भाई, गेहूं भी पड़ोसियों का धरने पड़ रही नहीं, गेहूं का कट्टा टिकाते हैं। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण है, एक बार ऐसी घटना घटी कि माँ ने मेरे को दुख रोक दिया, जुटे जी उजाड़ दिए, छोटा बालक था थोड़ा सा समझ अच्छी थी उसमें, मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया, लेकिन मैंने 10-5 दिन उसके बाप की दिनचर्या देखी, वो कड़ा जावा कड़ा रहा केक रहा कब भी हुआ है, तो मैंने उस बच्चे से कहा बेटा तू छुटा सका, एक बच्चा अपने बाप का भी बाप हुआ है, बाप का भी बाप है, माँ बेटा एक बार तू छुटा सका इसकी आदत को, मेरे बस की बात नहीं है, ना कोई पुलिस वाले के बस की बात है, जड़ाई बैठा है पीन खाता है तू उड़ा जा और बराबर में बैठ जी नुबिला मार देगा, महाबेसन तो दो चार लाख जो जाए सुधर गया तो सुधर गया तू का है उड़ा जाएगा बैठ जी और जड़ाई नुका नहीं एक बोतल जा गला नुका दे मेरे खातर भी एक बोतल दर दे मैं भी पीऊंगा या स्वादिष्ट चीज होगी। हालांकि थोड़ा सा छोटे बच्चे को इस तरह की आदत में डालना ठीक नहीं था, बच्चे के ऊपर बुरा भी असर पड़ सका है, लेकिन उस दिन से उस घटना ऐसी घटी कि बाप ने शर्म होगी बाज लिया कंधा ये छोरा दौड़ा दो बैठ गया मसी कर कना साइड में बोले भाई एक बोतल मेरे खातर भी लिया, तो उसका जो शर्म होगी कल ना फिर तेरा बेटा भी पीने लग जाएगा, तो कुल मिलाकर के आज वो शराब छोड़ चुका है। लेकिन तरीका जैसा भी रहा मेरे ध्यान में आया जो चलो एक घर है उजड़ने से शायद बच गया हो, लेकिन एक हुक्का पीने की आदत है शराब की आदत है तो तुम मजबूर कर सको कोई मजबूर नहीं कर सकता, अपने दादा को दादी को या कोई घर में चाचा ताऊ माता पिता को ऐसा प्रयोग करा है तो नशे का, तो इस समस्या से खुद भी बचो और दूसरे को भी बचाओ। अगर हमें स्वास्थ्य से संबंधित है इन नशों से दूर रहेंगे तो एक तरह से घर में नौकरी लग रही है, हम सोच लो अगर हमें भविष्य में नशा नहीं करेंगे या इस बुरी आदत में नहीं पड़ेंगे तो आप शतायु 100 साल तक स्वस्थ जीवन जिएंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, ये पक्की गारंटी की बात है। अगर हमें स्वाध्याय करेंगे और अच्छी दिनचर्या अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और विद्वान बनेंगे और भविष्य में आपका मान सम्मान कई गुना बढ़ेगा, ये पक्की बात है। तो प्यारे बालको हालांकि हमने शहीदी दिवस पर स्थापना दिवस पर बातें और भी होती हैं, लेकिन मैं एक आह्वान करना चाहता हूं प्रणाम शब्द को जीवन में अपनाएं, प्रकृति के साथ जुड़े, नशे से बचें और स्वाध्याय अपनाएं, साथ के साथ में जो सुबह से लेकर के शाम तक की 2-4 लाइनें अपने डायरी में नोट करें और स्वाध्याय ज्यादा से ज्यादा करें, एक्स्ट्रा किताब पढ़ें ताकि पाठ्यक्रम तो एक रट्टू तोता पैदा करा है, उसके अलावा जो आप पढ़ोगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, ये तो इस संसारिक समुद्र के समान है, कितना ज्ञान ले लो तो स्वाध्याय को आप जरूर अपनावा। आपके जो गुरु जी हैं मैं नमन करता हूँ उनके प्रयासों को, यहाँ जो विद्यालय परिवार है मेरा विद्यालय परिवार है, मुझे गर्व है हमारी बहनें हमारे भतीजे तो इतना ऊंचा नाम रोशन करवा रहे हैं, और ये विद्यालय आप यहाँ बैठे हो याद रख लियो, जो ये खाली जगह पड़ी है या ये किला और आगे खरीद लेंगे, मैंने वो ये बिल्डिंग भी छोटी पड़ेगी, जिस रास्ते पर ये विद्यालय चल रहा है ये बिल्डिंग छोटी पड़ेगी, तिमंजला भी बनाना पड़ेगा या कहीं और जोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप संस्कार दे रहे हैं, आप मानवता का रास्ता बता रहे हैं, आप अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, समझे से बिठा रहे हैं प्राचीन संस्कृति और आधुनिक ज्ञान का, प्रतियोगिता की तैयारी तो करवाते हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति को भी आप जागरूक कर रहे हैं। भाईरा मेरे और अन्य स्टाफ के सदस्य मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से लगे रहिए, आपके जो एक विद्यार्थी हैं भविष्य में नाम रोशन करें, छुट्टी का टाइम हो गया है थोड़ा संक्षेप में करना चाह रहा हूँ, तो भविष्य में आपका नाम रोशन करें, आप अपने कुल का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का रहे सर न झुकण दियो भाई, इसमें सबकी मैं आलिया बस ले, माँ बाप का जो बच्चा अगर सिर झुका देगा तो कोई जीना को नहीं, या पढ़ाई हो रट्टा फैसल कह लो चाहे कैसे भी कह लो या परीक्षा प्रतियोगिता पास कर ली चाहे ये लग जियो, जिस दिन माँ बाप को आपके कारण कहीं ना कहीं नजर नीचे करनी पड़ेगी तो उस पढ़ाई का कोई फायदा को नहीं। प्यारे बच्चों अपने आप को इतना सचेत करो कि भविष्य के लिए आप एक अच्छे उज्ज्वल नागरिक सक्रिय राष्ट्र भगत बन जाए और साथ के साथ में अपने आप को तो संभालेंगे देश के रक्षक भी बने। एक विद्यार्थी मन लगा कर पढ़े, किसान मन लगा कर खेती करे, व्यापारी बिना मिलावट का सामान बेचे, अध्यापक सच्चे दिल से शिक्षा देवे, या फिर
कोई भी देश का रक्षक है वो अपने अच्छी तरह से देश की रक्षा कर रहा है वो देशभक्ति है। प्यारे बालको जरूरी को नहीं बोल रहे ऊपर तो लेखना पे पाकिस्तान का बॉर्डर पर धाएं धाएं करा और वही देशभक्ति हो, तो इसलिए अपने आप को देशभक्त बनावे, अच्छा विद्यार्थी बनावे, ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ। छोटे बच्चों को हो सका है किसी कारणवश कुछ बातें पल्ले ना पड़ी हो, लेकिन अपने हरियाणवी भाषा में समझाने की ये कोशिश करिए कि भाई सुबह उठ करके बड़ों को प्रणाम बोलोगे, आवाज नहीं आई, हमें नर्सरी में हो, तुम क्यों बोल रहे हो भाई नर्सरी वालों से, सुबह उठ करके नमस्ते प्रणाम बोलोगे, अपने अध्यापकों को भी प्रणाम बोलोगे, जो दो दो चार चार रुपए के चॉकलेट अलादीन चूर्ण टोपी खाने के लिए पैसे तो नहीं मांगोगे, आवाज नहीं आई, पड़ी हुई चीजें बाजार की चीजें खाने के लिए जिद तो नहीं करोगे, आए हुए मेहमान का स्वागत करोगे कि नहीं करोगे, कौन कौन करेगा हाथ उठाए, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा, तालियां बजाओ, शाबाश, बहुत अच्छे, नो बता दो भाई, पूछ तो वहां के रहे, जो कोई बात नहीं है, हाथ खड़े कर लो भाई, जो दुबाजा पूछ तो वहां भाई, वो वहां है, अरे पूछ तो वहां के, नो, जो दुकानदार पूछ तो वहां, हाथ खड़े कर लो भाई, ले उनके वो तो बेकार जाके भाई, कौन गवाह है भूत वहांगे, एक कल्पना, 750 साल मुगलों का गुलाम रहा हमारा देश, 250 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, चिंतन शक्ति बिल्कुल खोज ली, 1000 साल की गुलामी, 1000 थोड़े को नहीं होंगे, 25 साल में एक पीढ़ी बदल गया है, 1000 साल हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया जीवित रहने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, अरे 1000 साल की गुलामी में ये अपने भीतर में जहन में बांट दिया, प्रेत हुए हैं, दोग पूजा माता मसानी बैरली भीतरली उपरली बैरली बिरली के बांट दिया अपने समाज में, तो ये अगर कोई किसी बच्चे का जो बहम है भूत हुआ है ऐसी कोई बात नहीं होती, अंधविश्वास है प्यारे बच्चों, ये पढ़ो के हाँ जो ये भूत प्रेत का कहानी बतावे कोई माँ बाप दादा दादी तो उसको कहो ऐसी कोई चीज नहीं होती, अंधेरा में कोई चीज अपने दिखाई नहीं देती, स्कूल को सा उड़कर हटता और कड़िया बिक जाए रहते, ये पेड़ पौधे को से उड़कर और कड़िया जावा है, प्रकाश नहीं पड़ता हुआ चीज अपन दिखती को नहीं, अंधेरा माँ पे पेशाब कर भी को नहीं उठते, कोई बड़ा तुर रहा है तेना पेशाब कर खातर भी न्यूडर चले आ कुआड़ा में फलाना आ गया आ गया सोचे उसी बात जी मारा प्रताप बनेगा वो दादी पिता है अपने वो ट्राई करे स्वाद्या है सोचे थपेट करना है, तो कुल मिला करना प्यारे बच्चों स्त्रियों की काल्पनिक बातों से ना डरा है। अच्छा मैं बताओ जो भूत इतना ताकतवर है और जब छोड़ता है कदम सोचो वो छोड़ता नहीं उठा सकता भाई, वो छोड़ता नहीं उठा सकता जी इतना ताकतवर है श्री राम को आशका है जो सा, ऐसी कोई काल्पनिक बातों से दूर रहे, कोई कोरी कल्पना है उससे ना डरा, वीर बहादुर बने देशभक्त बने महाराणा प्रताप शिवाजी इस तरह के बनकर दिखावा प्यारे बालकों, ये आपसे आह्वान है, इसके आगे का कार्यक्रम राम मेहर जी, धन्यवाद। तो इस तरह से भगत सिंह स्कूल का स्थापना दिवस मनाया गया और आदर्श बच्चे थे जो जो एक उदाहरण प्रस्तुत करा था उन्होंने, COVID-19 के तहत स्वाध्याय किया, अध्यापकों का सहयोग किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, संस्कारवान बच्चे कहीं न कहीं उन्होंने कक्षा में एक मॉनिटर के तौर पर कह लें या फिर एक अच्छा उदाहरण पेश करके दूसरे बच्चों के लिए जो एक नज़ीर बने थे वो बच्चे सम्मानित होते हुए स्टेज के ऊपर अपने अध्यापकों के द्वारा एक माता पिता के लिए और बच्चों के लिए गौरव की बात होती है। मैं संपूर्ण भगत सिंह विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमिट छाप छोड़ें, धन्यवाद।